हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व्स। ओके, ये क्लास 11th के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली ये थ्योरी चैप्टर है, बट इसका जो लिंक है आने वाले प्रैक्टिकल चैप्टर्स के साथ होता है, ठीक है। सो आज हम एक प्यारा सा चैप्टर पढ़ेंगे, इसका नाम होगा प्रोविजन एंड रिजर्व्स। ओके, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर प्रोविजन एंड रिजर्व। ना व्हाट इज अ प्रोविजन एंड रिजर्व? दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। दोनों वर्ड्स का मतलब भी अलग अलग होता है। समझते हैं कि करके कि दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें समझना है प्रोविजन का मतलब क्या होता है। सो जो पहला वर्ड है, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। ना प्रोविजन की डेफिनेशन अकाउंट्स में कहती क्या है और प्रोविजन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। प्रोविजन का मतलब ये होता है कि मान लो आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आने वाली फ्यूचर में, ठीक है, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आने वाली फ्यूचर में। बेसिकली ऑब्लिगेशन को हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, दैट इज लाइबिलिटी, ठीक है। मतलब हमें कोई लाइबिलिटी आने वाली फ्यूचर के अंदर, तो अगर हमें कोई फ्यूचर में लाइबिलिटी आने वाली है तो उसके लिए आप कितना तैयार हो, उसे प्रोविजन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो आपके ऊपर कोई केस हो रखा है, किसी ने आपके ऊपर केस कर रखा है, तो आपके ऊपर केस रख रखा है, उस केस की जो पेनल्टी है लेट से 20 लाख रुपए की है, या 20 लाख की नहीं है, आपको नहीं पता कि कितने अमाउंट की है, मतलब अमाउंट नहीं है उसको पता, ठीक है। लेकिन आपके ऊपर केस हो रखा है, तो आपके आपको अमाउंट का अंदाजा नहीं है, आपको अमाउंट के बारे में नहीं पता। सो अमाउंट आप नहीं जानते हो, लेकिन आपको ये पता है कि आपके केस जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो विन की प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत कम है बेटा। मतलब प्रिविन की प्रोबेबिलिटी लगभग लगभग 20% के आसपास है, ठीक है। मतलब कि आप सिर्फ 20% केस जीत सकते हो और 80% केस आपके हारने के चांसेस है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको पैसा देना पड़ सकता है, ठीक है। अब प्रोविजन बनता क्यों है? प्रोविजन, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोविजन ऐसी लाइबिलिटी के लिए बनाया जाता है जिसका होना तय होता है बट उसका अमाउंट पता नहीं होता है। क्या बोला मैंने? प्रोविजन ऐसी लाइबिलिटी के लिए बनाया जाता है जिसका होना तय होता है बट उसका अमाउंट आपको नहीं पता होता है। तो ऐसी ही जैसे केस, ये केस है। अब केस में क्या हो रहा है? केस में देखो, आपके ऊपर किसी ने केस किया और आपके केस हारने के चांसेस 80% से 90% के आसपास है। मतलब आप केस पूरा पूरा हार ही सकते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि अगर आप केस हार गए तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए हम प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन में हम हमेशा अपने लॉसेस के लिए रेडी रहते हैं। तो प्रोविजन की डेफिनेशन भी कुछ इस तरीके से काम करती है। देखो, अब प्रोविजन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई प्रोविजन जो है ये एक अमाउंट है जो हम सेट असाइड करते हैं। अमाउंट सेट असाइड, वर्ड्स ध्यान देना क्योंकि वर्ड्स लिखोगे पेपर में तो आपको नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। प्रोविजन इज अ अमाउंट सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है कि आपको अपने प्रॉफिट के हिस्से में से एक पैसा इसमें से निकाल लेना। जैसे मैंने कहा कि मान लो आपको लॉस होने वाला है, तो अब मान लो आपकी कंपनी का जो प्रॉफिट है, आपकी कंपनी का लेट से प्रॉफिट 100 लाख रुपीज़ का होने वाला है इस साल, तो उस 100 लाख में से आप कुछ अमाउंट, लेट से 20 लाख, 30 लाख, आपको नहीं पता कितना अमाउंट है, लेकिन जो 30 लाख अमाउंट है वो आपने केस के लिए संभाल के रख लिया और कहा कि आपको 100 लाख का प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब ये जो एक्चुअल प्रॉफिट है आपका 100 का नहीं होगा, अब आपको प्रॉफिट कितने का होगा? सिर्फ और सिर्फ 70 लाख का होगा। दैट इज योर बैलेंस प्रॉफिट। इसका मतलब समझे? इसका मतलब है कि प्रोविजन की वजह से आपका जो प्रॉफिट होता है, ये देखो, प्रोविजन की वजह से, ड्यू टू प्रोविजन, 30 लाख हमने क्या बनाया, एक तरीके से हमने प्रोविजन बना लिया। इसको बोलते हैं प्रोविजन, पहले से तैयार होना, ठीक है। प्रोविजन की वजह से आपका जो प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। तो यही बात उसने सिखाई आपको कि प्रोविजन का मतलब क्या हुआ। प्रोविजन का मतलब ये हुआ बेटा कि देखो, प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब क्या होता है? अलग से निकाल के रख लेना बाय चार्जिंग। अब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसलिए मैं इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। बाय चार्जिंग, चार्जिंग का मतलब होता है दैट इज मंडेटरी। ओके, इसका मतलब है इसकी वजह से ये आपको पीएनएल, आपको आपका पीएनएल डाउन हो जाएगा, यानी प्रॉफिट लॉस आपका कम हो जाएगा। मंडेटरी है ये आपको बनाना, ठीक है। जैसे वहां पर देखो, 100 लाख के प्रॉफिट में से हमने क्या किया, ये देखो, 100 लाख के प्रॉफिट में से हमने 30 लाख का प्रोविजन निकाल दिया, यानी कि ये जो खर्चा है, ये वाला, दिस एक्सपेंस इज मंडेटरी। मैं इसको रेड कर दूं, ये देखो, ये 30 लाख आपका मंडेटरी है, आपको देना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं चार्जिंग, ठीक है। चार्ज नीचे का खर्चा है, मंडेटरी नीचे का खर्चा है। चार्जिंग इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यानी जो वर्ड होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम यूज करते हैं ऐसी अदर देन कंपनीज के लिए, ठीक है। मतलब जो जो लोग कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो कंपनी होती है उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो दो अलग वर्ड है इन केस ऑफ कंपनीज, समझे।
ठीक है। अब हमने क्या कहा, प्रोविजन क्यों बनाया था? प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग इट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेट पर प्रॉफिट लॉस टू प्रोवाइड फॉर। अच्छा, जिस चीज़ के लिए आप प्रोविजन बना रहे हो, क्या आपको उसके बारे में पता है या नहीं पता? बिल्कुल पता है, मुझे पता है कि मेरे को प्रोविजन केस के लिए बनाना है, जो मैं केस हारने वाला हूँ, जिस पे मेरी लाइबिलिटी आने वाली है, मैं उसके लिए प्रोविजन बनाना चाहता हूँ। इसका मतलब है मुझे कहीं ना कहीं पता है कि मुझे किसके लिए पैसा बचाना है। तो जो लाइबिलिटी है वो नोन है या अननोन, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस पे एमसीक्यू कभी भी पूछा आता है कि जो लाइबिलिटी है वो नोन है या अननोन है। लाइबिलिटी इज अ नोन लाइबिलिटी। कैसी लाइबिलिटी बेटा? नोन लाइबिलिटी, ठीक है। और द अमाउंट, अब यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ विच द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विथ एक्यूरेसी। हम कितना भी ये सोच लें कि हमें केस में हारने पे 20 लाख 30 लाख देने पड़ सकते हैं, बट हम एक्यूरेट अमाउंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है, कि मुझे कितने रुपए की पेनल्टी लगी, क्या लगने वाला है। तो हम ना अमाउंट को डिटरमाइन नहीं कर सकते, एक्यूरेसी से डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी कि हम कभी भी अमाउंट एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। कैन नॉट बी टाइम विद एक्यूरेसी, हम एकदम एक्यूरेट अमाउंट का प्रोविजन नहीं बना सकते। इसीलिए प्रोविजन बनता है हमेशा एस्टिमेशन बेसिस पे। कैसे बेसिस पे? एस्टिमेशन बेसिस पे, यानी अनुमान लगाया जाता है कि इतना लॉस हो सकता है। जो कहते हैं इट इज़ अ चार्ज इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एन एस्टिमेट बेसिस। कौन से बेसिस पे बेटा? एस्टिमेट बेसिस पे। तो देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बोली गई है। क्या बोली गई है? बोली गई है कि देखो प्रोविजन इज अ अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग इट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ कंपनीज टू प्रोवाइड फॉर नॉन लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी? नॉन लाइबिलिटी द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइन विथ एक्यूरेसी, है ना। और इसको जब हम प्रॉफिट लॉस में से माइनस करते हैं तो एक्यूरेट बेसिस पे माइनस करते हैं, एस्टिमेटेड बेसिस माइनस करते हैं। इसको माइनस करते हैं हम एस्टिमेट बेसिस पे, यानी अनुमान बेसिस पे, कि इतना खर्चा हो सकता है। हम नहीं जानते कितना खर्चा होने वाला है। क्या आपको प्रोविजन का मतलब समझ में आया? ठीक है, तो ये प्रोविजन होता है। सो आई होप आपको ये वाला प्रोविजन का डेफिनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ अब हमें थोड़ा सा और पढ़ना है प्रोविजन के बारे में। हमने कहा ना कि प्रोविजन एक एस्टिमेट बेसिस पे बनता है, इट इज नॉट एक्यूरेट, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि तो इस पे ही आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा। प्रोविजन हमेशा बनता है कौन से बेसिस पे? एस्टिमेट बेसिस पे। लिख लेना है ये नोट्स, आपको नोट कर लेना है, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। वर्ड्स नाउ, हमने 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 दो चीजें समझी। एक तो हमने समझा कि प्रोविजन क्या होता है, समझे। अब दो वर्ड मैं आपको समझाता हूँ। देखो अभी हमने एक वर्ड समझा था ना, एक होता है एप्रोप्रिएशन। देखो वर्ड्स को समझो, देयर इज टू वर्ड्स, वन इज एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन वर्सेस चार्ज। बेटा जब क्लास 12th आप स्टार्ट करोगे ना, तो मैं आपसे क्लास 12th की फर्स्ट क्लास में अब इसके बारे में बात करूंगा, बट अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ क्लास 11th में। दो अलग अलग वर्ड्स है, वन इज एप्रोप्रिएशन, वन इज चार्ज। नो, वट इज एप्रोप्रिएशन एंड वट इज चार्ज, ये भी समझो। मैंने अभी भी कहा चार्ज का मतलब होता है मंडेटरी, इसका मतलब है आपको खर्चा करना पड़ेगा। इट इज मंडेटरी इन नेचर, मंडेटरी इन नेचर, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये जो एप्रोप्रिएशन है इट इज ऑप्शनल इन नेचर, ऑप्शनल इन नेचर। अभी मैंने आपको एप्रोप्रिएशन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया है, ठीक है। इट इज ऑप्शनल इन नेचर। नाउ व्हाट इज एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब सिंपल सा इतना होता है कि आप खर्चों को तभी करोगे जब आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा। इसका मतलब क्या है? समझो, एक्सपेंसेस आर मेड ओनली व्हेन व्हेन प्रॉफिट इज अवेलेबल, व्हेन प्रॉफिट इज अवेलेबल, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, ध्यान से, अगर हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं है, तो इसका मतलब है बेटा नो प्रॉफिट नो एप्रोप्रिएशन, समझे। नो प्रॉफिट नो एप्रोप्रिएशन, बट यहां पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब है आइदर प्रॉफिट और लॉस। एप चार्ज तो हमेशा ही होगा होगा, यानी चार्ज का जो एक्सपेंस है वो तो ऑलवेज होना ही होना है। इसका मतलब है आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोविजन तो बन के रहेगा, ये ध्यान रख लो, प्रोविजन तो बन के ही रहेगा। तो प्रोविजन किस
के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, चाहे कंपनी को प्रोविजन की वजह से लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। इसका मतलब ध्यान से देखो, ये जो हमने 30 लाख रुपए अपनी कंपनी से निकाले थे ना प्रोविजन बनाने के लिए केस लॉ वाले केस में, तो मुझे चाहे 30 लाख निकालने के बाद चाहे मेरा प्रॉफिट, मान लो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट 100 लाख होता ही नहीं, मेरा प्रॉफिट होता लेट से 20 लाख, तो 30 लाख निकालने के बाद मेरा लॉस कितना आता, 10 लाख आता, तो भी मुझे प्रोविजन बनाना ही पड़ता, क्योंकि प्रोविजन का नेचर है चार्ज नेचर का, ये मुझे करना ही पड़ेगा। बट अगर मैं एप्रोप्रिएशन में होऊंगा तो एप्रोप्रिएशन में मैं सिर्फ 20 लाख ही खर्च कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, देखो मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट है 20 लाख, तो मैं 20 लाख ही एक्सपेंस कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा एक्सपेंस आउट कर ही नहीं सकता। क्या आपको ये 2 लाख का मतलब समझ में आया, एप्रोप्रिएशन और चार्ज? इसे कृपया करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, चलो आगे देखते हो। सो समझे आप लोग? अब देखो जो जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई आपके नोट्स में मैंने लिख रखी है ना, एक पहला सा नोट मैंने आपको दिया हुआ है, नोट समझो। नोट में क्या पढ़ा हमने अभी, हमने पढ़ा जो प्रोविजन होता है, हमने पढ़ा जो प्रोविजन होता है बेटा, ये जो प्रोविजन है ये क्या है, इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये पढ़ा हमने, है ना। हमने अभी भी पढ़ा कि ये क्या है, ये चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या होता है मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ। चार्ज का मतलब होता है बेटा मैंडेटरी, यानी इसका आपको करना ही पड़ेगा, है ना। प्रोविजन है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट मीन्स प्रोविजन हैज़ टू बी मेड। इसका मतलब क्या हैज़ टू बी मेड का मतलब क्या है, कंपल्सरी आपको बनाना ही पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव चाहे इसकी वजह से ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस इज अर्निंग इनफ प्रॉफिट और इनकरिंग लॉसेस, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमा रही हो, अर्निंग इनफ प्रॉफिट्स और क्या, और इनकरिंग लॉसेस, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉसेस हो, इस बात से प्रोविजन को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, ही नीड टू मेक इट, मतलब उसे प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, कंपनी को प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि प्रोविजन चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, प्रोविजन तो बन के ही रहेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी नेचर होता है, ठीक है। देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोविजन्स, जिसमें से एक एग्जाम्पल आप आने वाले चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, वन इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ध्यान से समझो इस वर्ड के बारे में, डेप्रिशन का पढ़ा होता है ना, इसके तरह से एक होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो एसेट्स के ऊपर लगता है, ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, यानी रिपेयर का खर्चा होने वाला है उसके लिए प्रोविजन बना लिया आपने, ठीक है, रिन्यूअल ऑफ एसेट्स एक्सेट्रा, है ना। प्रोविजन का मतलब एक और अच्छा एग्जाम्पल समझाता हूँ, देखो प्रोविजन का एक बहुत अच्छा एक प्यारा सा एग्जाम्पल ये भी है कि मान लो आपका बर्थडे है, ठीक है, आपका बर्थडे है और या आपका बर्थडे नेक्स्ट वीक आने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट वीक आने वाला है। अब आप बेटा आपका बर्थडे नेक्स्ट वीक आने वाला है, तो आपको ये तो पता है, ये तो पता है कि खर्चा होने वाला है, है ना, आपको ये पता है खर्चा होने वाला है। बट आपको क्या नहीं पता, आप नहीं जानते हो कि उस अमाउंट कितना लगेगा, कितना पैसा होने वाला है। इसका मतलब है आपको पता है कि आपके ऊपर लाइबिलिटी आने वाली, लाइबिलिटी आप जानते हो उसको बोलते हैं नॉन लाइबिलिटी, पर नॉन लाइबिलिटी का जो अमाउंट है हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, वी कैन नॉट एक्यूरेटली डिटरमाइन, हम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं निकाल सकते 10,000 5,000 खर्चा होने वाला, हमको हम लगा सकते हैं एस्टिमेट कि भैया क्लास में 20 बच्चे हैं सबको समोसे खिलाने पड़ेंगे तो पैसे लगेंगे, हमसे कम से कम 1,000 रुपये तो लग जाएंगे सर, ठीक है। तो ये है एक एस्टिमेट, इसलिए मैंने कहा प्रोविजन बनता है एस्टिमेशन बेसिस पे, इट इज़ नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। आई होप आपको अब तो समझ में आया होगा कि प्रोविजन का मतलब क्या होता है, अगर आप समझ गए हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, समझे। आधे लोगों तो ये समझ ही नहीं आता कि प्रोविजन होता क्या, बस नाम समझ लेते हैं। तो अभी हमने इस चैप्टर का एक से हिस्सा समझा जो कि है प्रोविजन, अब इसका दूसरा हिस्सा बचा है बेटा, वो है रिजॉल्व, ठीक है। सो टेक अ ब्रेक ऑफ 30 सेकेंड्स, फिर आप इस पढ़ते आगे उसके बारे में क्या होता है। सो ब्रेक ले लेती 30 सेकंड का, चले पढ़े आगे। सो अब एक नए वर्ड के बारे में समझना पड़ा, रिजर्व, ओके। नाउ रिजर्व क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट रिजर्व, ठीक है। सो रिजर्व के बारे में क्या होता है पहले ही समझते हैं। देखो रिजर्व होता क्या है, रिजर्व बेसिकली एक तरीके से हम कहते हैं, रिजर्व का मतलब क्या होता है समझते हो, रिजर्व क्या होता है, रिजर्व का मतलब है कि कुछ सेव करना, सेविंग। तो बेसिकली रिजर्व इज लाइक अ सेविंग, है ना। अब आप सेविंग कब कर सकते हो ये समझो, अगर आप एक कॉमन पर्सन हो जो आप पैसे कमाता है, इसकी तो आईज बड़ी हो गई, रुक जाओ, अगर इसके पास पैसे हैं, ये एक इंसान है, ठीक है, तो इसकी इनकम लेट से 5 लाख रुपए की है, है ना, और इसके एक्सपेंसेस लेट से 3 लाख रुपए के हैं,
तो इसमें से जो 2 लाख रुपए उसके पास बैलेंस बच रहा है, ये जो 2 लाख है, ये 2 लाख रुपए है इसकी एक तरीके से सेविंग है, पैसा बच गया इसके पास ना, बैलेंस बच गया। अब इस बैलेंस में से ये चाहे तो कुछ पैसे अपने पास सेव कर सकता है फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। तो हो सकता है इस 2 लाख में से बेटा ये 1.5 लाख रुपये अपने सेव कर ले, सेविंग कर ले, है ना, और बाकी का 0.5 लाख जो है ये और किसी खर्चों में खर्चे कर दे, यानी एक्सपेंस आउट कर दे, पार्टी वार्टी कर ले, जो मर्जी कर ले, ठीक है। तो ये जो 1.5 लाख है इसने सेव कर दिए फॉर फ्यूचर, फॉर फ्यूचर, फ्यूचर में यूज यूज करने के लिए, फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। तो ये जो 1.5 लाख रुपए है ये हर हर महीने बचा रहा है, ठीक है, 5 लाख रुपए इसकी इनकम है और 1.5 लाख रुपए हर महीने बचा रहा है। तो बेसिकली एक तरीके से इसने एक गुल्लक बना रखा है, पिगी बैंक, ठीक है, इसको गुल्लक बोलते हैं, और उस गुल्लक में भाई साहब हर महीने 1.5 लाख रुपए जोड़ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर ये जोड़ते जाएंगे तो इस गुल्लक का नाम रख दिया गया बेटा रिजर्व, क्या रख दिया गया, रिजर्व। अब ध्यान से समझना, इस गुल्लक में पैसे तभी आएंगे, मैंने क्या कहा, इस गुल्लक में पैसे तभी आएंगे जब भाई साहब का ये जो बैलेंस है ये पॉजिटिव होगा, ये बैलेंस ओनली इफ पॉजिटिव, यानी अगर इस गुल्लक में बैलेंस नेगेटिव आ गया, मान लो इनकम है 5 लाख की और भाई साहब ने एक्सपेंस कर दिया 6 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का लोन लेके, तो भाई सेविंग हो ही नहीं सकती है। अब तुम किसी से उधार लेके थोड़ी सेविंग करोगे, इसका मतलब मैंने आगे 6 लाख का खर्चा कर दिया तो 1 लाख रुपए यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा, तो मैं इस 1 लाख रुपए नेगेटिव में से कैसे फ्यूचर के लिए सेविंग कर सकता हूँ, समझे। तो रिजर्व कब बनेगा, रिजर्व तब बनेगा जब कंपनी के पास ये जो बैलेंस है ये पॉजिटिव होगा, यानी प्रॉफिट अवेलेबल होगा, क्या होगा, प्रॉफिट अवेलेबल होगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो आप चाह के भी रिजर्व नहीं बना सकते, लॉस के केस में रिजर्व तो बन ही नहीं सकता है, बिकॉज जब पैसा ही नहीं बचा है तो बचा सेविंग कहाँ से करोगे, गुल्लक में पैसे कहाँ से रखोगे, गुल्लक में पैसे तो तब रखे जाएंगे ना, यानी इस गुल्लक में पैसे तो 1.5 लाख रुपए तब आएंगे ना जब भाई साहब के पास पैसे बचेंगे, जब भाई साहब के आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है तो पैसा कहाँ से बचेगा। तो पैसा बचाओगे तो रिजर्व बनेगा, पैसा नहीं बचाओगे तो रिजर्व नहीं बनेगा। तो आपको इतना सा मतलब समझ में आता है कि रिजर्व बहुत सिंपल चीज़ों के से बेसिस बनेगा, अगर आपके पास प्रॉफिट है तो रिजर्व बनेगा, प्रॉफिट नहीं तो रिजर्व नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो मैं गुल्लक में पैसे जमा कर रहा हूँ 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख, क्या मुझे पता है मैं किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है। यानी मैं तो बस इसलिए जमा कर रहा हूँ कि फ्यूचर में यूज़ करूँगा, यानी कि फ्यूचर में होने वाली कंटिजेंसीज के लिए, घटनाओं के लिए, कोई ऐसी घटना हो जाए तो उसके लिए मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, फ्यूचर की कंटिजेंसी, फ्यूचर कंटिजेंसी मतलब होता है फ्यूचर की घटना। अब मेरी हिंदी ना मैंने 5 साल पहले छोड़ दी थी, तो मुझे पता नहीं कैसे लिखते हैं घटना, ठीक है। तो फ्यूचर में होने वाली कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे मेडिकल इमरजेंसीज या कुछ मुझे खरीदना है या कुछ भी एनीथिंग एनीथिंग, उसके लिए मैं पैसे बचा रहा हूँ, मुझे नहीं पता किस चीज़ के लिए बचा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूँ प्रोविजन के केस में, तो प्रोविजन के केस में मुझे पता था कि मुझे पार्टी देनी है, मुझे क्या करनी है, पार्टी देनी है, इसलिए मुझे पैसे बचाने की जरूरत पड़ेगी। ये बर्थडे वाला एग्जाम्पल याद है आपको, तो वहाँ पे क्लियर था कि मुझे पैसे बचाने हैं, बट यहाँ पे क्लियर नहीं है, यहाँ पे तो मैं बस सेव कर रहा हूँ, मैं बस सेव कर रहा हूँ कि फ्यूचर में मैं पैसे बचा लेता हूँ, फ्यूचर में क्या पता जरूरत पड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिंपल बोला गया कि आपके पास पैसा तभी तभी आप रिजर्व बना सकते हो जब आपके पास पैसा बचेगा, अगर पैसा नहीं बचेगा तो आप रिजर्व नहीं बना सकते। क्या आपके दिमाग में ये बात जाती है, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट में पूछना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पर डाउट जरूर पूछना, अगर डाउट नहीं पूछते मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बेकार बच्चे हो तुम लोग। चलो आगे देखते हैं, समझा आपने रिजर्व के बारे में क्या होता है। चलो पढ़ते फटाफट से, अपने अपनी बुक्स और अपना दिमाग यहाँ पे रखो, देखो क्या लिखा है। रिजर्व्स आर द अमाउंट सेट असाइड, अमाउंट सेट असाइड, पहला वर्ड क्या है, अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, व्हाट द ब्लू क्या अमाउंट है, आउट ऑफ प्रॉफिट। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा था ना रिजर्व्स बनेगा कहाँ से, आउट ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब है कि अगर प्रॉफिट होगा तो रिजर्व बनेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो रिजर्व नहीं बनाया जाएगा, इसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, रिजर्व्स आर द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। इट इज एन एप्रोप्रिएशन, समझे था ना हमने वर्ड क्या सीखा था, एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट होगा तो रिजर्व बनेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो रिजर्व नहीं बनेगा, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का बेसिकली सिंगल लाइन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
अवेलेबल प्रॉफिट्स, ठीक है, यानी जो भी आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा उसको बांट देना इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड एंड नॉट अ चार्ज. ये जो रिजर्व है ये चार्ज नहीं है. चार्ज का मतलब है नॉट अ चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है मैंडेटरी नहीं है. रिजर्व बनाना मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी, ये ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछेगा, ठीक है, कि रिजर्व बनाना मैंडेटरी है नहीं, एप्रोप्रिएशन है. ये क्या बनाना मैंडेटरी है? प्रोविजन बनाना मैंडेटरी है, ठीक है, ऑन द प्रॉफिट. नाउ आगे देखो, रिजर्व्स आर क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजिशन. यानी हम जब रिजर्व बनाते हैं हम सेविंग क्यों करते हैं? ताकि हम फ्यूचर में अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग कर पाए. तो यहाँ पर वर्ड क्या है? यहाँ पर वर्ड है स्ट्रेंथिंग द फाइनेंशियल पोजिशन. स्ट्रेंथिंग द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन को स्ट्रांग करने के लिए जितना पैसा होगा उतना फ्यूचर में यूज कर पाएंगे. द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिटेन इज यूज इन द बिजनेस. जो प्रॉफिट रिटेन किया जाता है, प्रॉफिट रिटेन का मतलब होता है बचाया जाता है, इज यूज इन द बिजनेस. ऑब्वियसली अगर हम भी पैसे को बचा रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम फ्यूचर में उसे यूज कर पाए. यूज इन द बिजनेस वेन डिफिकल्ट टाइम्स कम्स, यानी डिफिकल्ट टाइम का मतलब है किसी को मेडिकल इमरजेंसीज लग जाए अपनी फैमिली में. डिफिकल्ट टाइम कम्स का मतलब है मेडिकल इमरजेंसी हो, एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी ऐसा हो, तो वहाँ पर हम पैसे को यूज़ कर पाएँ, ठीक है. नाउ आगे देखो, सिंस रिजर्व्स आर नाइदर एक्सपेंसिव. रिजर्व कोई खर्चा नहीं है, ओब्वियसली समझ लो, रिजर्व्स आर नाइदर एक्सपेंसिस, ये कोई एक्सपेंस नहीं है, नॉर लॉसेस, ना कोई खर्चा है ना लॉस है. सो दीज आर नॉट चार्ज टू प्रॉफिट. ऑब्वियसली है ना, नॉट चार्ज टू प्रॉफिट, यानी इनको चार्ज करना मैंडेटरी थोड़ी है भाई. देखो सेविंग तो हम तभी करेंगे ना जब पैसा बचेगा. आर नॉट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब हम ये दिखा रहे हो कि मान लो हमारी कंपनी लॉस में और हम सेविंग कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, यानी कि कंपनी लॉस में है तो सेविंग नहीं कर सकते ना. कंपनी प्रॉफिट में होगी तभी तो सेविंग होगी. जैसे हमने यहाँ पे समझा इस वाले एग्जाम्पल में कि भाई साहब के पास पैसे जब होंगे पॉकेट में तभी तो सेविंग करेंगे, जब भाई साहब के पास पैसे ही नहीं होंगे तो सेविंग कैसे करेंगे? क्लियर? सो देखो, रदर दिस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है. ओब्वियसली ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं होता, ये चार्ज होता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. इसका अलग से अकाउंट होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके, अकाउंट विच इज प्रिपेयर आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस. ये बात की बात है, 12th क्लास में पढ़ोगे आप. रिजर्व आर ऑल्सो नोन एज, अब हाँ यहाँ इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक वर्ड समझो, रिजर्व आर ऑल्सो, रिजर्व आर ऑल्सो नोन एज. रिजर्व को बोला जाता है प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, प्लगिंग बैक का मतलब होता है अपना प्रॉफिट खुद ही अपने पास रख लेना. देखो प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी कंपनी ने 100 रुपये कमाए, कंपनी ने 100 रुपये कमाए, 100 रुपये में से कंपनी कह रही है 30 रुपये का हम रिजर्व बना लेंगे, यानी अपने प्रॉफिट को अपने पास रख लेंगे, 70 रुपये का प्रॉफिट हम बांट देंगे या खर्च कर देंगे जो भी करेंगे. तो अपने प्रॉफिट को अपने पास रखना, इसको बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को रिटेन करना, ठीक है. सो क्रिएशन ऑफ रिजर्व, रिजर्व बनाना डज नॉट रिड्यूस द प्रॉफिट. रिजर्व बनने से प्रॉफिट कम नहीं होता है, नॉट रिड्यूस द प्रॉफिट, समझे. जस्ट बिकॉज मैंने अपने पैसे की सेविंग कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने पैसे खर्च कर दिए, मैंने बस अपने पैसे को फ्यूचर के लिए बचा के रखा है. बट ओनली रिड्यूस द डिविजल प्रॉफिट. इसका मतलब क्या, देखो 100 रुपये का प्रॉफिट था, 100 रुपये के प्रॉफिट में से हमने 30 रुपये का रिजर्व बना लिया, इसका मतलब मैंने 30 रुपये खर्च नहीं किए, हमने 30 रुपये सेव कर लिए. बस कम किस कम क्या हो गया, पहले 100 रुपये बटते, अब 100 रुपये नहीं बटेंगे, अब कितने बटेंगे, 70 रुपये बटेंगे, ठीक है. इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, वर्ड लिखा है ना, डिविजिबल प्रॉफिट, बटने वाला प्रॉफिट. तो जो बटने वाला प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है बस रिजर्व बनने से, बाकी प्रॉफिट तो अभी भी उतना है बेटा. 70 का प्रॉफिट है और 30 रुपये का रिजर्व है, तो ये भी प्रॉफिट एक तरीके से. क्या आपको ये समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है. अब यहाँ आपने समझा आज की क्लास में कि बेटा व्हाट इज प्रोविजन एंड व्हाट इज रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट था समझना आपके लिए. आने वाली एक क्लास और लूंगा हम इसके ऊपर और समझेंगे टाइप्स ऑफ रिजर्व, रिजर्व कितने तरीके के होते हैं, प्रोविजन रिजर्व में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है. आई होप यू विल लाइक दिस क्लास, एंड आपको अगर कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी सजेशन होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना. एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल्स एंड शेयर विथ ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स, ठीक है. चलो बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में मिलते हैं. छोड़ दे तू आलस, अब जीत का आगाज कर, कल थे जो पेंडिंग वो काम सारे आज कर. अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज है सोच जिसकी ऊंची, बड़ा सपनों का साइज. सैक्रिफाइस कर दे नींद, सैक्रिफाइस तेरा फोन, सैक्रिफाइस सारे दोस्त, सैक्रिफाइस कंफर्ट जोन, फेसबुक लॉग आउट, फुल पावर वर्कआउट, किताबें उठा लो, पूरी टीम को बुला लो, बिजनेस अकाउंट सारे एड्स भी चला लो. अपना किस्मत को कोसे न किसी के भरोसे, खुद से समर्पण खुद को परोसे. मुश्किल हो तो कमांडो हो सख्त, जख्मी है ठीक से भी हंसता कम वक्त.